नमस्कार तीस जिला तीस रिपोर्टर को स्वागत करुच्छी धर्मदत्त तेज आसतु नजर पकड़ ग्राउंड जीरो पठाई प्रतिनिधि मैंने किसी खबर उपरे सुवर्णपुर जिला सदर महकुमा दुर्गादेवी मंदिर रे कुआरी झियो पूजा अनुष्ठित हो जाइछि। सहरर पुरुणा राजप्रसाद भितरे थिबा दुर्गादेवी मंदिर रे नवरात्र व्रती माने कुआरी झियो मानंकु पूजा करिचंती। कुआरी झियो मानंको गोड़ धोइबा सहित नूतन वस्त्र ओ भोजन देई एमानंकु पूजा करिचंती। प्रतिवर्ष एही परंपरा सुवर्णपुर जिल्ला रे चली आसीची आउ व्रती मानंको विश्वास रहीची जे कुआरी झियो मानंकु नवमी दिन पूजा कले मनस्कामना पूर्ण होइथाय बोली आमे आहुरी कहि परिबा। ऐतिहासिक माने मत रखंती कृष्ण जन्म आगरु कंसंक प्रादुर्भावरु रक्षा पाइबा पई बिजुली कन्यांकु स्मरण करी ए कुआरी झियो मानंकु प्रतिवर्ष पूजा करे जाइथाय। हेले सुवर्णपुर जिल्ला रे प्रतिवर्ष ए कुआरी झियो मानंकु पूजा करिथांती नवरात्र व्रती माने नवमी तिथि रे एमाने ए कुआरी झियो मानंकु पूजा अर्चना करिथांती। जंत्र मंत्र तंत्र पीठ रे अनेक परंपरा रहिथिबा बेले ए कुआरी झियो मानंकु पूजा परंपरा मध्य काही केते दिनरो चली आसीजी। बालीगुड़ा उठा जलसेचन विभाग रे ऑफिसर शून्य जदि कहिबा आज होउची दशराज छुट्टी पड़ो ये होउची आज कार्य शेष दिन किंतु जहाँ देखा मिली जो उठासेचन उठा जलसेचन जो विभाग रही दुईपटे ताला पड़ी एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ यही उठा जलसेचन विभाग टी हूँ मो सरकार सामिल होती सबुबले मो सरकार जो डेस्क रही खुला रहा कथा किंतु एम जहाँ कह कथा जहाँ आम जड़े चतुर्थ श्रेणीर कर्मचारी रही है आम पचारि बुझुलु से कह कथा जो जिले में गोटे मीट अच्छी मीट को जा सब गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जिले में जब मीट होच्चपदस्थ अधिकारी जी एटे जो जेई मैंने सामिल रही पर्यटन दर्शन मिलूनी पाखापाखी एगारटा बैची कौन अफिसर दर्शन ना पूर्वर मैं शनिवार रोबार दुई दिन छुट्टी पड़ता जदि कह मोटामोटी जदि कह शनिवार दिन ठार् अफिसर बाबू देखा दर्शन मिलूनी जहाँ फल जो अफिस् आसो लोक मैंने आसारण निजर अभोग धरिकी आसर अभोग कौन लोक शुणापे ना गोटे चतुर्थ श्रेणीर जन कर्मचारी अफिस् पाखे एवं दुईट जाक अफिस् एभिकी मो सरकार डेस्क जो बाबू जनक बस कथा सी भी बसुना जोभली भाव में ये सरकार निम को उल्लंघन कर जो फुलवाणी जिलार जो कलेक्टर रही जिलापाल रही स्वतंत्र भाव में दृष्टि देवा जरूरी अच्छी आगामी दिन में जो साइक्लोन आसी गोटे संभाव्य बात्या रखा जाइए किंतु यही समय समस्त अधिकारी छुट्टी को बातिल करते कन्धमाल जिलापाल किंतु वर्तमान ताक कौन अधिकारी न मानुवा उठा जलसेचन विभाग में जाना देखा मिली दशहरापाई नयगढ़ सहर चलचंचल होता बेले नयगढ़ सहर में विभिन्न स्थान देखा मिली गहली पूजापाई विभिन्न स्थान में बजार घाट में गहली देखा मिलता बेले ए परिस्थिति में करोना संक्रमण व्यापार संभावना देखाई अंपक्ष करोना नियम को खोलाखोली फू करदे जनसाधारण प्रशासन पक्षर कौन कटक जारी करवल निर्देश जारी कर चुप बस रही प्रशासन एपरी स्थले करोना संक्रमण जे नयगढ़ पुणी व्यापी ताकि एड़े ना अंपक्ष बुद्धिजीवी महल में आशंका प्रकाश पाई तेरे सहर विभिन्न स्थान में बिना मास्क लोक मैंने बुलूता बेले अंपक्ष कौन सामाजिक दूरता देखा मिलूनी विभिन्न दुकान बजार में गहली देखा मिलू विभिन्न समय लोक मैंने खुलम खुला एका सांगर खाइबा और एका सांगर बुलिया देखा मिलू ए परिस्थिति में करोना संक्रमण अवस्था आगु कौन हम ताक नहीं आशंका प्रकाश पाई अंपक्ष प्रशासन पक्षर तृतीय लहर पर चेतावनी दी जाता बेले ए परिस्थिति में जब तृतीय लहर आसे ताकि रोकया कष्टकर हो उठ आशंका प्रकाश पाई अंपक्ष प्रशासन पक्षर एक कड़ा निर्देश जारी करा नि आवश्यकता रही प्रशासन केवल पूजा मंडप गुड़िकर निर्देश जारी कर विभिन्न स्थान में यह कार्यकारी करने जनसाधारण पक्ष दाबी हो भगराईर आराध्य देवी माँ विजय बासईं उपरे एक वीडियो एल्बम को उन्मोचन कले चलचित्र जगतर प्रख्यात अभिनेता अश्रुमोचन महांति एवं संगीत जगतर अनन्य प्रतिभा संगीत निर्देशक मनमोथ मिश्र जहाँ भगराईर जड़े जुव प्रयोजक रामकृष्ण नायक प्रयोजना कर निर्देशक राजनारायण पंडा यार निर्देशना तेबे ये भोगराई रो माँ
ବିଜୟ ବାସୁଳୀଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଆଲବମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି। କାରଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶରତ ନାୟକ ଏହାକୁ ଗାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି। ଗତକାଲି ଉଦୟପୁର ଶାହାବାଜିପୁରରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ଏହାର ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୋର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଅପକେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବର୍ତ୍ତିଲେ। ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବେମୋଦୀ ରାତ୍ରି ଘଟିଛି। ଏହି ସୋର ଷ୍ଟେସନ ରେଲୱେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରହିଛି। ସେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଷ୍ଟେସନ ସାରା ଧୂଆଁମୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଓ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ବାହାରକୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୋର ଦମକଳ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସୋର ଦମକଳ ବିଭାଗ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଆସି ଓ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆୟତ୍ତ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଏହି ସୋର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସଦାବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାଗମ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କି ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏ ଷ୍ଟେସନରେ ସଦାବେଳେ ଘଡ଼ି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିହାତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅଗ୍ନିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ନିହାତି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ହେଉଛି 30 ଜିଲ୍ଲା 30 ରିପୋର୍ଟରୁ।